2080, 1080, 3060, 570, आखिर कौन सा ग्राफिक कार्ड कैसा है, कौन सा बजट सेगमेंट का है, कौन सा मिड रेंज का है। यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राफिक कार्ड बजट, मीडियम या हाई सेगमेंट का है। और जो तरीके मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से आप पुराने ग्राफिक कार्ड को पहचान पाओगे कि अपने टाइम के वो ग्राफिक कार्ड बजट या मीडियम या हाई सेगमेंट कौन से सेगमेंट में आया करते थे। और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा, अगर कोई छोटा बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा ना वो भी पता लगा लेगा, बिल्कुल इतना आसान तरीका होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के स्पॉन्सर है ग्रामरली। अगर आप सभी को लगता है कंप्यूटर में टाइपिंग करते हुए या फिर कुछ भी लिखते हुए अगर आपको लगता है कि टेंसेज या फिर वर्ड में प्रॉब्लम होती है तो आज ही डाउनलोड करें ग्रामरली, जहां पर अगर आपकी ग्रामर में कोई भी दिक्कत होगी तो ये बिल्कुल सही सजेस्ट करेगा और साथ के साथ मिस्टेक को बताएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। बेसिकली मार्केट में दो ब्रांड है जो ग्राफिक कार्ड बनाते हैं, एक तो आपका एनवीडिया, दूसरा एएमडी। पहले हम बात करेंगे एनवीडिया के बारे में। बेसिकली एनवीडिया में काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड हैं और इनकी सीरीज चलते हैं और हर सीरीज़ में 8 से 10 ग्राफिक कार्ड होते हैं। तो पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताऊँगा। बेसिकली इनकी हर सीरीज़ 2 साल बाद लॉन्च होती है। इस टाइम अगर करंट सीरीज़ के बारे में बात की जाए तो वो है 30 सीरीज़। यहाँ पर आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर 30 सीरीज़, फिर 2 साल पहले लॉन्च हुई थी 20 सीरीज़, और उससे 2 साल पहले लॉन्च हुई थी 10 सीरीज़, और फिर 10 के बाद 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, ऐसी सीरीज़ इनकी रही है। अब यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो तरीका, चाहे कितना ही कोई पुराने ग्राफिक कार्ड हो, चाहे कौन से सीरीज़ का कोई ग्राफिक कार्ड हो, आप आराम से पता लगा लोगे वो उस टाइम का बजट, मीडियम या हाई सेगमेंट का है। चलिए एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने कुछ नए ग्राफिक कार्ड जो इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं, यहाँ पर मैंने वो ग्राफिक कार्ड भी इंक्लूड करे जो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इंक्लूड कर दिया आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ पर सारे ग्राफिक कार्ड देख सकते हो, 3050, 3050 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080 Ti, 3080 Ti और 3090। आपने यहाँ पर कॉमन चीज़ देखी होगी जो है 30, सभी में 30 यहाँ कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये 30 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड है। तो अगर आप कोई भी ग्राफिक कार्ड देखते हो, चाहे वो 2080 Ti हो, 1070 हो, तो अगर आप शुरुआत का नंबर देखोगे, जैसे यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो ग्राफिक कार्ड किस सीरीज़ का है। और जो नंबर जैसे यहाँ पर 20 है, 30 छोटा है, तो ये 2 साल पुराना है, और ये 10 मतलब इससे और छोटा है, तो मतलब ये आज के टाइम से 4 साल पुराना ग्राफिक कार्ड हो गया। इस तरीके से आप आराम से समझ सकते हो कि कौन सा ग्राफिक कार्ड कितने साल पुराना है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊँगा आप कैसे पता कर सकते हो कौन सा ग्राफिक कार्ड कैसी परफॉर्मेंस देगा और अपने टाइम का कैसा सेगमेंट में वो आता था। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा भी ध्यान देके समझना। आप यहाँ पर देख सकते हो सारे जितने भी ग्राफिक कार्ड है 30 सीरीज़ में, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए है। यहाँ पर कुछ TI वाली वेरियंट भी, कुछ ऐसे ग्राफिक कार्ड जो लॉन्च नहीं हुए हैं, बट ये लॉन्च होंगे तो मैंने पहले ही दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखो जो ग्राफिक कार्ड जैसे 3050 Ti, फिर 60, 60 Ti, 70, 70 Ti, 80, 80 Ti, फिर 19, तो अगर आप लास्ट के 2 डिजिट देखो तो ये बढ़ती जा रही है ऊपर से। अगर नीचे तक जाओ TI वाले जो ग्राफिक कार्ड है इन पर इतना ध्यान मत दो, मैं इनको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप TI को हटा के अगर बाकी जितने ग्राफिक कार्ड उनको देखो तो आप पाओगे जैसे 50, फिर उसके बाद 60 है, फिर 70 है, फिर 80 है, फिर 90, तो नंबर एक तरह से बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब वो है जिसका नंबर बढ़ रहा है ना वो उतना ज़्यादा पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50, तो यहाँ से 50 से स्टार्टिंग है, तो 50 जो ग्राफिक कार्ड है वो एक तरह से बजट सेगमेंट का है। इससे भी नीचे आते हैं कुछ ग्राफिक कार्ड बट वो गेमिंग के लिए इतने अच्छे नहीं होते, उनके ऊपर बात करेंगे। पहले आप ये चीज़ समझिए, 50 फिर 50 Ti, तो ये जो दो ग्राफिक कार्ड है बजट सेगमेंट के दोनों कार्ड है, और ये 1080p अल्ट्रा या हाई सेटिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं। फिर इस साथ मीडियम सेटिंग, जहाँ पर आप 2K गेमिंग भी कर सकते हो और फ्रेम रेट तो बहुत अच्छे 100 के आसपास फ्रेम रेट आपको देखने को मिलते हैं, और हाई अल्ट्रा कुछ भी खेल लो, और 4K भी गेमिंग करा देते हैं। वो कार्ड कौन कौन से होते हैं, 3060, 3060 Ti, 3070 और 3070 Ti। बहुत से लोग कहते हैं कि जो 3070 और 3070 Ti है ये थोड़ा अपर सेगमेंट का है, मतलब हाई सेगमेंट का, बट नहीं गाइस, एनवीडिया ने कहा है कि ये मीडियम सेगमेंट का है। फिर इसके बाद आते हैं वो कार्ड जिस पर 4K या इवन 8K की गेमिंग भी कर सकते हो, वैसे पता नहीं कौन करता होगा 8K गेमिंग। तो ये ग्राफिक कार्ड है 3080, 3080 Ti और एक लास्ट 3090।
तो जो ग्राफिक कार्ड बजट के उनकी प्राइसिंग कम होती है, जो मीडियम है उनकी प्राइसिंग 50,000 के आसपास होती है, डिपेंड ऑन कौन सा कार्ड है। और जो ग्राफिक कार्ड हाई सेगमेंट का उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, 70 से स्टार्ट से लेकर 3-2 लाख तक चली जाती है इनकी प्राइसिंग। तो बस देख लेना गाइस, बाकी समझना हो ना तो देखो मैंने आपको बता दिया, बस आपको लास्ट के मॉडल देखने हैं। 50 मतलब बजट, 60-70 मतलब मीडियम, और अगर आप पहुंच जाओ तो 80 के आसपास तो समझ लो हाई सेगमेंट का है। और ये जो नंबर है कांस्टेंट रहेंगे, मतलब हमेशा यही नंबर आपको सभी ग्राफिक कार्ड में देखने मिलेंगे। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, पिछले ग्राफिक कार्ड 20 सीरीज आप देख सकते हो, यहाँ पर भी जो नंबर है ना वो सेम है। हालांकि कुछ जगह थोड़े शुरुआत के नंबर के साथ छेड़खानी करी गई है, जैसे 60-20, ये पहले बार हुआ है कि दो सीरीज एक साथ चलाई हो। बट अगर आप कॉमन चीज़ देखो कि लास्ट के जो नंबर है ना वो ऐसे ही है जैसे आपने भी देखे। फिर इससे पुरानी ग्राफिक कार्ड 10 सीरीज, वहाँ पर भी नंबर कांस्टेंट है, वहाँ पर 50, 60, 70 TI वेरिएंट भी है। और जो सुपर कैन वो मैं आपको बताऊँगा कि सुपर किस लिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। बट आप समझो जो 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 तरीका मैंने आपको बताया ना 50 और 60, ये चीज़ कॉन्शियस रहने वाली है। और ये चीज़ 10 साल पुराने जो ग्राफिक कार्ड है उनमें भी है, ठीक है, समझ गए ना आप। तो यह ऐसे पहचान सकते हो आप किसी भी ग्राफिक कार्ड को, वो बजट सेगमेंट का, मीडियम का या हाई सेगमेंट का है। और अगर आपको पता लगाना हो वो ग्राफिक कार्ड कितना पुराना है तो आप सीरीज़ देख लीजिए, 30 सीरीज़ का 20 या 10, 9, 7, 8, बहुत आसान ऐसे पता कर सकते हो आप। तो अब आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए मैं आपको यहाँ पर 3 ग्राफिक कार्ड दिखाऊंगा, आपको बताना है कौन सा ग्राफिक कार्ड कितना पुराना है। और यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि अपने टाइम पर जब भी लॉन्च हुए थे ग्राफिक कार्ड उस टाइम पे कौन सा बजट या फिर मीडियम या फिर हाई सेगमेंट का है। तो ये रहे आपके सामने 3 ग्राफिक कार्ड, एक है 1050, एक है 980, एक है 760। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं 1050, और 10 का मतलब है ये 10 सीरीज़ का है और आज चले 30 सीरीज़, इससे पहले आई थी 20 सीरीज़। तो ये 4 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है। और अगर बात की जाए 50 तो मतलब स्टार्टिंग मतलब बजट सेगमेंट का कार्ड है। अब यहाँ पर बात करते हैं 980, 9 मतलब 10 से नीचे, तो 10 4 साल पुराना था, 2 साल और प्लस कर दो तो ये हो गया 6 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है। और 80 मतलब अपने टाइम का हाई सेगमेंट का ग्राफिक कार्ड है। फिर आ जाता है 760, तो ये 9 से भी छोटा है, तो इसका मतलब 2 साल और प्लस कर दो ये हो गया 8 साल पुराना ग्राफिक कार्ड है। और 60 का मतलब मीडियम सेगमेंट, तो ये फिर मीडियम सेगमेंट का ग्राफिक कार्ड है। अब आप समझ गए होंगे कि आप कैसे पता लगा सकते हो कौन सा ग्राफिक कार्ड कितने साल पुराना है और अपने टाइम का बजट या फिर मीडियम या हाई सेगमेंट का। अब यहाँ पर मैं आपको एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देता हूँ जो काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रही होगी, TI और सुपर आखिर इससे कैसे पता लगा पाए। तो देखो जिस ग्राफिक कार्ड के आगे सुपर या TI है तो समझ लो वो उस ग्राफिक कार्ड से थोड़ा सा अच्छा वर्जन है। मैं एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, 3060, 3060 TI, 3070। देखो 3060 और 3070 के बीच आप समझ गए होंगे कि कौन सा मीडियम कौन सा क्या है। लेकिन अगर बात की जाए TI का मतलब है 3060 से अच्छा होगा 3060 TI, लेकिन 3070 से अच्छा नहीं होगा, समझे। दोबारा बताता हूँ, 3060 जो ग्राफिक कार्ड है इसके जितनी भी परफॉर्मेंस निकलती है गेमिंग में उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा 3060 TI, मतलब ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 3070 से अच्छा नहीं होगा, 3070 से नीचे होगा। सेम केस यही होने वाला है सुपर में भी। अगर किसी ग्राफिक कार्ड के आगे सुपर है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2060 सुपर और 2060 की जो परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी 2060 सुपर में, लेकिन 2060 सुपर 2070 से अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि सुपर और TI का मतलब क्या होता है, इसकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ग्राफिक कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं जो 50 से नीचे नंबर के हैं, जैसे 730, 1030 और 730। ये 3 ग्राफिक कार्ड जो आज भी मार्केट में मिलते हैं, और ये आप देख रहे हो कि जो लास्ट का जो नंबर है ना वो 50 से नीचे है, तो उसका मतलब है कि बजट मतलब बहुत ही अल्ट्रा बजट बोलेंगे इन्हें, तो ये अल्ट्रा बजट के ग्राफिक कार्ड है। और 710 का मतलब सबसे हल्का ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग के लिए यूज़ नहीं करा जा सकता क्योंकि गेमिंग बहुत मुश्किल है इसके लिए कराना, क्योंकि अब ये इतनी फ्रेम रेट नहीं निकाल पाता है। और ये ग्राफिक कार्ड इसीलिए मार्केट में है या फिर इसीलिए बेचते हैं क्योंकि इंटेल और AMD में कुछ ऐसे प्रोसेसर है जहाँ पर अगर आप PC बिल्ड करोगे वहाँ पर ग्राफिक कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर 710, 1030 या फिर 730 बिचा करते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे जो भी ग्राफिक कार्ड अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो 50 सीरीज से स्टार्टिंग होते हैं। अगर आप उससे नीचे कोई ग्राफिक कार्ड लोगे तो बस आप थोड़ा 1030 के बारे में सोच सकते हो,
जो हल्की फुल्की गेमिंग करा सकता है। तो बाकी कोई ग्राफिक कार्ड यहाँ पर कोई मतलब नहीं लेना चाहिए आपको, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। अब यहाँ पर बात करते हैं AMD में। अगर कंपेयर करा जाए ना, आज से 5 या 4 साल पहले तो AMD में काफ़ी मुश्किल होता था ग्राफिक कार्ड को समझा पाना कि वो किस सेगमेंट का है, क्योंकि एक अलग अलग तरह के नंबर रखते थे ये लोग। लेकिन अब ये लोग ये चीज़ को समझ गए हैं कि कन्फ्यूज़न होती है काफ़ी लोगों को समझने में, लेकिन अब जो इनकी सीरीज़ है वो काफ़ी हद तक इन्होंने सही कर दिया है। मैं थोड़ा हाई से स्टार्ट करता हूँ। इनका हाई जो सेगमेंट ग्राफिक कार्ड आता है वो आता है 6900 XT। फिर एक और हाई सेगमेंट का इनका ग्राफिक कार्ड आता है 6800 XT। फिर आते हैं इनके मीडियम सेगमेंट, तो यहाँ पर इनके पास मीडियम सेगमेंट में 3 ग्राफिक कार्ड है, 6800, 6700 XT, 6700। फिर आते हैं इनके बजट सेगमेंट के कार्ड, तो वो है 6600 XT, 6600। हालांकि कुछ ग्राफिक कार्ड लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन वो लॉन्च हो जाएंगे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन सा बजट, मीडियम या फिर हाई सेगमेंट का है। तो ये चीज़ AMD में, जो इनके पुराने ग्राफिक कार्ड है 570, 580, 590, आप इनमें लास्ट का जो नंबर है ना उसे देख के थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हो कि वो कैसा ग्राफिक कार्ड है। जो लास्ट में जो नंबर होगा अगर वो बड़ा है तो समझ लो वो ग्राफिक कार्ड अच्छा है, ठीक है। हालांकि AMD में आपको खुद ही थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। इनके काफ़ी सारे ग्राफिक कार्ड हैं, कुछ तो फ्लॉप भी रहे हैं जिन्हें रेकमेंड नहीं करा जा सकता, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है। और AMD भी जो मैंने देखा है ना, बहुत कम खरीदते हैं लोग, 10% लोग खरीदते हैं AMD को, बाकी 90% NVIDIA खरीदते हैं। तो आप भी फोकस रखो NVIDIA में। तो अब आप यहाँ पर समझ गए कि NVIDIA के ग्राफिक कार्ड आप कैसे पता कर सकते हो कौन से सेगमेंट के। और अगर आप लोग कभी भी पुराना ग्राफिक कार्ड खरीदोगे, चाहे OLX हो या कहीं से भी, आप आराम से पता कर पाओगे कि वो कितना साल पुराना है और आज के टाइम पे क्या वो अच्छा है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस यही मैं आपको बताना चाहता था। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारी वीडियो आती रहती है, तो अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई भी कुछ डाउट हो कमेंट करें नीचे जाकर, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।